अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी भैया सामने तो बताओ
अब राजस्थान में वन एटी एट के अंदर भी आपको गारंटी बहुत शानदार है। एक के बाद एक गारंटी की चर्चा हो रही है, 100 यूनिट बिजली फ्री दी है, जो सबको दी है, आप समय बैठे हो सबको फायदा 100 यूनिट। इतना यह है कि जो 100 यूनिट तक ही लगाते हैं वो 1 करोड़ लोगों को भी जीरो आ गया। बाकी चाहे अमीर है गरीब है, 100 यूनिट का फायदा सबको, 2000 यूनिट। इस प्रकार से जो गांधी कार्ड बांटे गए शिविर में, करीब 1,80,00,000 परिवार आए थे, 1,80,00,000 के लिए थे, और 7,80,00,000 के आसपास कार्ड बांटे गए करीब। जब सभी योजनाएं हमारी जो वादे किए थे वो लागू हो गई, ये मैं योजना जानता हूँ आपको। और गैस सिलेंडर जिस तरह मैंने घोषणा करी थी 500 रुपये में गैस सिलेंडर होगा, 450 रुपये वाला, पूरे देश में उसको वेलकम किया लोगों ने। अब मैंने अभी जो नई कांड दे रहा हूँ उसके अंदर हम फैलाव कर रहे हैं और लोगों के लिए, तो कहने का मतलब ये कि महंगे थे राहुल गांधी जी आए थे राजस्थान में, 4 मुद्दे लेके आए थे, महंगे क्या था, बेरोजगारी क्या था, आपस में प्यार मोहब्बत भाईचारा के था, सब समाज के अंदर सब धर्म के लोग सब जाति के लोग हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए, या शांति होगी और विकास होगा, शांति होगी विकास होगा। और 14 मुद्दा था गरीब अमीर के खाई नहीं बननी चाहिए, अगर अमीर अमीर होते जाएंगे गरीबी दूर नहीं होगी तो आप बताइए क्या हालात होते हैं आम जनता के। हमने 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, 1,000 मिनिमम, बुजुर्गों को पक्की पक्की तो 2,000 मिलते हैं पक्की माँ को, विधवाओं को करीब 33,000 विधवाएं हैं, और जिससे जनों इस प्रकार से हमने सोशल सिक्योरिटी का कदम बढ़ाया। हम तो मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से आरपी कानून बनाओ पार्लियामेंट के अंदर, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, तमाम परिवारों को जिनको जरूरत है उनको सरकार अपनी तरफ से जीवन चलाने के लिए उनको इमदाद करे, मंथली करे, फोर्टनाइटली करे, दुनिया के मुल्कों में होता है। हम कर्तव्य गुरु बनने जा रहे हैं, कैसे बनोगे अगर आम जनता में बच्चे कुपोषण रहेंगे, भुखमरी रहेगी, रोटी कपड़े मकान की किल्लत रहेगी, तो आप कैसे बनाओगे। तो सोशल सिक्योरिटी ऐसी चीज है जो सभी सम्मान के साथ में पेंशन देते हैं, हम लोग 1,000 रुपये देते हैं, और मैंने कहा है आगे के 15 मिनट अपना बढ़ती जाए, 1,000 1,500 होगा, 2,000 होगा, तो हम जाके कानून बन जाए देश का, कानून बने सभी चीज है परिवारों को पैसा 4,000 मिलेगा, 5 मिलेगा, 10 मिलेगा, नियम के आधार पर मिलेगा, पर हर व्यक्ति को जिंदा रहने का, जिंदा रखने का दायित्व सरकार का, ये कोई ऐसा नहीं है आपके ऊपर, सरकार होती है डेमोक्रेसी के अंदर चुनी सरकार, दायित्व है, पैसा आपका ही है और आप भी खर्च होता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा इस स्कूल के साथ हम लोगों ने सिक्योरिटी दी है, लोगों ने वेलकम किया, रोजगार की योजना चालू कर दी, देश में कहीं नहीं है, एक तो राज्य मुश्किल होगी हैदराबाद अगर होगी शायद, तो इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। अब जो 7 गारंटी की बात हमने करी है वो भी एक से बढ़कर एक है, जितने हमारे छात्र हैं जो पटे बाद में जाएंगे वो फर्स्ट में एडमिशन लेंगे, विश्वविद्यालय में लेंगे या चाहे वो कॉलेज में लेंगे, सरकारी कॉलेज में लेंगे, उन सबको जो है टैबलेट और लैपटॉप मिलेगा, सबको मिलेगा लैपटॉप, सबको। ये घड़ी ये पल मैं भाई अमीर गांधी जी से निवेदन करूंगा कि किशनपुर विधानसभा की तरफ से हमारे मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, हमारे प्रभारी बड़े भाई रंधावा जी उपस्थित हैं, मैं आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हवा में विनोद कांग्रेस कमेटी और
यहाँ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मौजूद है अरुण शर्मा जी और जावेद सेठी से मेरा निवेदन है कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का दुपट्टा उड़ाकर सम्मान करें। हमारे बीच में काली अम्मा उपस्थित है, हमारे कांग्रेस की बहुत पुरानी सीनियर वर्कर काली अम्मा। मेरा निवेदन है काली अम्मा जी से कि वे मंच में आए और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। काली अम्मा था कंप्यूटर आएंगे, मोबाइल फोन होगा, हाथ के अंदर जेब के अंदर हम बात कर पाएंगे, वायरलेसली चले, कोई कटना नहीं देती। अब तो गूगल के माध्यम से दुनिया मुट्ठी में आ गई। इसलिए मैंने कहा आपको ये माध्यम कर रहे हैं, मुझे खुशी है कि जिस प्रकार से लैपटॉप टैबलेट के लिए बात की जा रही है, बच्चे जो है फर्स्ट ही लैपटॉप के माध्यम पढ़ सकता है। अभी कोरोना के अंदर थोड़ी बड़े हुई थी, मोबाइल फोन पे हुई थी, टैबलेट होगा लैपटॉप में बड़ा होगा, इसलिए इसका बड़े में आसानी होगी। मुझे अभी पढ़ जाएगी शुरू से, हमने गारंटी और दी है इंग्लिश पढ़ाने। मैं भी बचपन में इंग्लिश के खिलाफ था, इंग्लिश क्या काम आएगा, मैंने जमाना और था, अगर माहौल था, दक्षिण के राज्यों में हिंदी के खिलाफ थी, वो उत्तर के राज्य इंग्लिश के खिलाफ थी। आज समझ मेरे भी आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है, कंप्यूटर इंटरनेट में इंग्लिश का गंदवा है, बच्चे पढ़ने जाएंगे तो उनका फ्यूचर जो है ब्राइट होगा, ये दुनिया में जा पाएंगे, उनको कॉम्पीट कर पाएंगे सबसे, ये सोच के गारंटी दी जा रही है। अब जो मैंने किया इंग्लिश स्कूल खोलने का, मुझे खुशी है कि गाँव वालों ने भी एक्सेप्ट किया, शहरों में खुली है गाँव में खुली, क्योंकि प्राइवेट स्कूल इंग्लिश की है फीस है 1,00,000 फीस, 50,000 में फीस होती है, कहाँ से लाएगा। हमने फ्री पढ़ाया बच्चों को महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल के माध्यम से शुरू किया। अब हम चाहते हैं कि वो स्कूल जो है जो मांगेगा जहाँ पर वहाँ खोल दी जाएगी, तो बच्चे इंग्लिश पढ़ेगा। अभी मैं देखता हूँ, मैं गाँव में जाता हूँ तो बच्चे छोटे बच्चे बच्चे इतनी अच्छी नहीं बोलने लगे हैं, अपन कल्पना नहीं करते। तो आने वाली पीढ़ी को तैयार करने का काम हमारा सपना है। 2030 मिशन मैंने बनाया था, 3,32,000 लोगों ने ऑफलाइन ऑनलाइन अपनी राय दी, उसके शिकायतें लिखी होगी, सरकार के बारे में कमेंट किए होंगे, सब बातें हैं, पर इन्वॉल्वमेंट लोगों ने किया, उसके डॉक्यूमेंट तैयार हो गया हमारा। हम चाहते हैं डॉक्यूमेंट ज़्यादातर आने वाले वक्त हम लोग ज्यादातर विकास का सपना देकर आगे बढ़े। इस प्रकार जो गारंटी दी गई है, एक गारंटी दी गई है गोधन की, अभी बताया आरोप तिवारी आपको, ये छत्तीसगढ़ में इसकी बहुत कामयाब हुई है। गोबर जो है गाय का भैंस का, गाय फिरती रहती है गलियों के अंदर, एक्सीडेंट होते हैं, नुकसान आ जाते हैं, ये तो माँ कहते हैं गाय माता, उनका गोबर अगर जिसके डालने लग गया है, बिकने लग गया है पहाड़ों के अंदर, हमारे सरकार बनाएगी, आप सोचिएगा कि गाय भैंस आवारा के रूप में नहीं फिरेगी गलियों के अंदर। जैसे वहाँ बाड़े बना दी, मैं खुद देख के आया था रायपुर के अंदर, रायपुर में गया था देखने के लिए, अच्छा काम है, गोबर से जो खाद बनता है वहीं पर बायोमास बनता है, गैस बनती है उससे, गोमूत्र दवाएं बनाते गए लोग, तो एक प्रकार से सफाई भी रहती रहेगी शहर के अंदर और आमदनी होगी किसान पशुपालक। ये हम दे रहे गोधन गारंटी दे रहे हैं, एक गारंटी दे रहे हैं हम लोग, बाढ़ आ जाती है बिजली जैसे दी जाती है, एक बार बहुत जान नुकसान होता है, वो नगर चीजें भी सरकारी नौ पत्तों में पैदा देने के, हमने कहा कि 15,00,000 तक का मुआवजा उसकी हम गारंटी दे रहे हैं, उसका इंश्योरेंस करवाएंगे, जिससे कि 6,00,000 गाँव हो, कोई ऐसा हादसा हो गया तो हमें उसका सब नहीं चले, ये गारंटी हमने की है।
ये गांधी की गृह लक्ष्मी योजना महिलाओं के लिए, गृह की मुखिया जो होगी तमाम परिवारों की घर की मुखियाओं को सम्मान रूप में 10,000 रुपये मिलेंगे, प्रतिवर्ष मिलेंगे 10,000 मिलेंगे, और लाख तक संख्या के लिए ओपीए लागू किया हम लोगों ने, ओपीए की गांधी दे रहे हैं। अभी केंद्र सरकार मान दे रही है, सिर्फ कांग्रेस सरकार ने स्वीकार किया है, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, हिमाचल के अंदर हम चाहेंगे कि ओपीए लागू हो। ये मान्य अधिकार आयोग के लिए लागू होना चाहिए, जुडिशल कमीशन के लिए लागू होना चाहिए, और हम लागू नहीं करेंगे, जुडिशल लागू नहीं करेंगे। आर्मी में है ओपीए, बीएसएफ में, सीएसएफ में एनपीए, क्या करेगा भाई? भेदभाव क्यों? भेदभाव क्यों? हमारे यहाँ आरपीएफ के जवान खड़े होंगे, मैं पूछना चाहता हूँ, पैरामिलिट्री फोर्सेज है इनमें, और भेदभाव क्यों हो रहा है? जुडिशियल वाले हम लागू नहीं करेंगे, कर्मचारी 35-36 साल काम करता है वो कहाँ जाएगा? बुढ़ापे में कम से कम सिक्योरिटी वाले इस उद्योग लागू किया। अब हम गाड़ी के लिए सजा करेगी, तब कानून पास करेंगे असेंबली के अंदर, इस प्रकार से गारंटी बेस हमने चुनाव अभियान शुरू करने का तय किया है, और वो क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है सरकार पर, 5 साल जो हमने काम किया, जो कहा वो करके दिखाया, जो कहा वादे किए 90% पूरे हमने वादे किए, जनता का विश्वास हमारे ऊपर है, हमारा विश्वास जनता पर है, इसलिए हम चाहेंगे, मुझे लगता है इस बार मैं कहीं जाता हूँ जो रेस्पॉन्स मिलता जनता का, क्योंकि सरकार बदलती है उसका जो नुकसान होता है वो आप भरपाई नहीं कर सकते। जयपुर उदाहरण है, आपके मेट्रो सेक्रेटरी थी, कई कमी बन जाती है, अगर सरकार नहीं बदलती तो अम्बाबाड़ी से 22 किलोमीटर की सड़क जो आपकी मेट्रो बनी थी सरकारी तक बन जाती, नहीं बन पाई। रिफाइनरी आ रही थी बहुत शानदार, पेट्रोल बाढ़ में तेल निकल गया, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज स्थिति हमारे समर देश से वो बंद कर दी गई, कई ऐसे काम किए। मैं आपको क्या क्या बताऊँ, मंदिर प्रांगण बैठा मुझे पास बात बता दूंगा आपको, बद्रीनाथ केदारनाथ राखी गए थे पहले, वहाँ हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी थे नमीचंद सैन, वो गए गए, आप बताइए उनके परिवारों ने नौकरी दे दी परिवारों को, सरकार बदली, नियम खत्म कर दिया, और नौकरी लगी थी जितना भी लोग उनको निकाल दिया वापस, वो सरकार को दे देना। इसलिए मैंने कहा आपको कि कहते हैं कठिनी कठिन अंतर है, हम कहते उतर के दिखाते हैं आपको, ये मैं कह रहा हूँ। इसलिए मुझे लगता है इस बार सरकार आप पर रिपीट करेंगे की होती है, डेमोक्रेसी है, कांग्रेस की डेमोक्रेसी है। महात्मा गांधी के जमाने में पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, अम्बेडकर साहब का संविधान, आज 75 साल हो गए देश का आजाद हुए, आराम किए, लोकतंत्र का जमहूरियत हम रहते हैं, वोटों का राज है, गांधी देशों में नहीं होता है, यहाँ पर बार बार जाने और शासन होता पाकिस्तान से। इतना कहना चाहूँगा हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, ये लोग तो बचना चाहिए, अभी लोकतंत्र में खतरे मंडरा रहे हैं, अभी ईडी इनकम टैक्स सीबीआई का लाल हो रहा है, डरे धमका रहे हैं, ज्यादा सरकार चुनाव होते हैं कौन जाते हैं उदाहरण धमकाने के लिए, आप देख लो रेड होती है बिना कोई कारण के, बिना तैयार के, और ज्यादा पूछते नहीं देखते, बैठे दिन में बैठे रहते, तो हालात बड़े गंभीर हैं, हालात देश में बन रहे हैं, वो चिंताजनक है। मैं आप अपनी लड़ाई जाऊँगा राजस्थान में, चुनाव जीतेंगे, एक मैसेज आएगा पूरे देश के अंदर, नए सिरे से मैं आपका आह्वान करना चाहूँगा, आप निश्चिंत रहें, सरकार करेगी, जो गारंटी दे दी थी गारंटी हमने आपको, उनको और मजबूत करेंगे हम लोग, 7 गारंटी जो दी है उनको लागू करेंगे, और मैन्युफैक्चर पर आने वाला है अभी,
मैंने कहा जो और आशीर्वादे किए जाएंगे जनता से, ये कायदे की बात होती है, कोष्ठक जारी होता है, वो भी कांग्रेस पार्टी करेगी। ये बात कहता हुआ मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको पता नहीं। और मैं समझता हूँ कि मैं जोशी जी ने कृपा हालत के बड़े टिकट मिल गया है, तो मैं जोशी जी किताब दूसरी बार सर हुआ है, एक बार पहले भी टिकट मिल गया था आपको याद होगा, पर फिर भी मैं जोशी जी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। पार्टी प्रतिबद्धता है, निष्ठा, उनकी सोच आपके सामने है। पिछली बार में टिकट कट गया था तो चार महीने बाद ही उन्होंने पार्लियामेंट बन गए। इसके क्या लिखा हुआ है, सब कुछ है, अपने काम करो। पार्टी का जो पार्टी का नेता होता है वो हम सबसे अच्छी जानी है। सबसे बड़ी बात जो मैं जोशी जी ने कही हुई थी कि हमारे प्रेजेंट इश्यू है, ये बात मैंने कांग्रेस प्रेजेंट जी मुझे कहते हैं, बात प्रेजेंट जी ने मालूम होगा, मैंने कहा हम हिंदुस्तान भर में कहने जाते हैं, हमारे कई नेताओं ने थोड़ा रिवोल्ट करने लगे थे, तो मैंने सबको सुनाया, मुझे एक बार बताओ आप हम सब लोग 40-40 साल में काम करते हैं, केंद्रीय मंत्री रह लिए, राज्य में मुख्यमंत्री रह लिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह लिए, महामंत्री रह लिए, सब कुछ पद हासिल किया हमने लोकसभा में, राज्यसभा में, आज एक कांग्रेस का नाम मरता नहीं होता। कांग्रेस हाईकमान का हिस्सा क्योंकि इंदिरा गांधी थी, मंत्री बन गया था, मुख्यमंत्री बन गया था, राजीव गांधी थे मैं मंत्री था, नरसिंह वाली थे मैं मंत्री था, और कितने लोग भाई सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने मौका दिया मंत्री मुख्यमंत्री बनने का, केंद्र में राज्य में, अगर हमारे पर विश्वास नहीं होता एक 40 करोड़ जनता में हमें कोई जानता था। एक बार मैं जोशी जी का मतलब था कि आज पहचान वाली है कि कांग्रेस से है, कांग्रेस हाईकमान फैसला करके हम सब के लिए मान्य होगा, तब जाए पार्टी चलती है, हम लोग मजबूत कर पाते हैं। मैं करता हूँ आप सबका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद, का स्वागत करें। रानी रुकमा जी, रानी रुकमा जी से आग्रह है कि उषा नायडू जी का स्वागत करें। प्रत्याशी आरा तिवारी जी को कि वो आए और संक्षिप्त में अपनी बात को रखे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। जन जन के नायक, जन नायक राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हमारे बीच में पधारे, गोविंद की नगरी में हमारे राजस्थान के कांग्रेस के प्रभारी सुप्रीमो गंगा साहब, सह प्रभारी ने अमृता धवन जी, भारतीय राज्य कांग्रेस के महामंत्री अलवर महाराजा भंवर जितेंद्र सिंह जी, माननीय महेश जोशी जी, ब्रजकिशोर शर्मा जी, राजीव अरोड़ा जी, आर सी चौधरी जी, सुनील शर्मा जी, आज ऐतिहासिक दिन है। गारंटी स्कीम का मतलब वचन, जैसे 100 रुपए के नोट पर, 500 रुपए के नोट पर आरबीआई का गवर्नर लेकर के देता तुम्हें 100 रुपए, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, वो 100 रुपए नहीं चलता। देश के पहले यशस्वी मुख्यमंत्री जो धारक को कहता राजस्थान के 7.5 मेरे भाई बहनों से कहते वचन देता हूँ 2000 यूनिट काम गांव के किसान को दूंगा, तो दे करके वचन निभाया जननायक अशोक गहलोत ने, वचन दिया था 10 गारंटी स्कीम में,
शहर के उपभोक्ता को 100 यूनिट वचन देता हूँ, फ्री में दूंगा, वचन निभाया जाए। हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री ने विधानसभा में पास किया बिल, राजस्थान का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, परिवार का 25 लाख रुपए तक का चिकित्सा मैं फ्री दूंगा, ये वचन है अशोक गहलोत जी का, कांग्रेस का। 10 गारंटी स्कीमों में हमने 90% गारंटी है, पूरी करी, पूरा राजस्थान जानता है, जयपुर में नहीं पूरा राजस्थान जानता है। आज वही यशस्वी मुख्यमंत्री जन रहे हैं, राजस्थान की जनता को साथ नई गारंटी दे रहे, यानी वचन दे रहे हैं। 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, सरकार बन रही है, राज नहीं बदल रहा, रिवाज बदल रहा, 5-5 साल का वोट नहीं बदलेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, ये गारंटी नहीं है, वचन है, कांग्रेस का वचन है। दो हमारे राज्य में जो महिला मुखिया परिवार की, वो वचन दे रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनाओ, 10,000 रुपया साल में 3 किस्तों में मैं वचन दूंगा, मेरी माँ बहनों को घर बैठे डीबीटी के द्वारा उसके खाते में जाएगा, ये वचन है अशोक गहलोत जी का, कांग्रेस का, वो वचन दे रहे हैं। सरकार बन गई, 500 रुपए में हर गृहिणी को, हर परिवार को हम गैस का सिलेंडर मुहैया कराएंगे, ये वचन है हमारे राज्य के जननायक अशोक गहलोत का। वो कहते हैं आने वाले समय में जब कॉलेज में बच्चा 12वीं पास करके जाएगा, अशोक जी का वचन है, कांग्रेस का वचन है, सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना, फिर को लैपटॉप फ्री देने का, कि दुनिया की तकनीक के साथ में जुड़ करके आगे बढ़ सके। वो वचन दे रहे हर परिवार को, आपदा में अगर आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, आपके परिवार का नुकसान हो जाए, 15 लाख रुपए आपको सरकार सहायता देगी, ये वचन है कांग्रेस का, सरकार को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, वो वचन दे रहे। मेरे गांव के पशुपालक को जो गाय और भैंस पालते हैं, वचन निभाया अशोक गहलोत ने, सरल डेयरी में जो दूध जाता है उसके अलावा हर पशुपालक को 1 लीटर का 5 रुपए का बोनस देने वाला देश भर का केंद्र मुख्यमंत्री है, तो राजस्थान का जननायक अशोक गहलोत वो वचन दे रहे हैं। गाय का गोबर हो, भैंस का गोबर हो, इकट्ठा करना, सरकार की एजेंसी आएगी, 2 रुपए किलो में खरीद करके आपको पैसा मुहैया कराएगी, ये वचन है। और इन्हीं वचनों के आधार पर ये गोविंद की धरती पर मैं हाथ ऊंचे करके आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं शहर कांग्रेस का भी अध्यक्ष हूँ, हवा में मेरे को हाईकमान ने आपके आशीर्वाद से यहाँ का कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया है, लेकिन मेरा दायित्व है कि मेरे 8 विधानसभा के साथी जीत करके फिर अशोक गहलोत को आने वाला 4 नंबर का मुख्यमंत्री बनाया देश में हाथ ऊंचे करके। अशोक गहलोत कांग्रेस अपना वचन निभाती है, जब अशोक गहलोत अपना वचन निभाते हैं तो जयपुर वालों वचन निभाओ, हाथ ऊंचे करके जयपुर का विधानसभा की जीत जिता करके कांग्रेस राज का बनाएंगे, ये बात कहता हूँ, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, सुचिंदर सिंह नंदावती जिंदाबाद, और जितेंद्र जी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज हम जिस प्रदेश के लिए इकट्ठे हुए हैं, हमें कल उन्होंने मुझे आमंत्रित किया,
मैं आभारी हूँ। आज हमारे दोनों उम्मीदवार भी यहाँ मंच पर मौजूद हैं, हमारे ऑडियंस मौजूद हैं, ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सारे कार्यकर्ता साथी मौजूद हैं। मैं कोई लंबी बात नहीं कहना चाहता, कार्यक्रम में वैसे बड़ा विलंब हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी हमको संबोधित करेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ, आपके हमारी पहचान पार्टी से, आप और हम इसलिए जाने जाते हैं कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस हाईकमान पार्टी जो निर्णय करते उस निर्णय को शिरोधार्य करना आपकी हमारी जिम्मेदारी। तो मैं आपसे संकल्प लेता हूं कि दोनों हमारे उम्मीदवार मंच पर बैठे हैं, हम संकल्प लें कि हम इन दोनों उम्मीदवारों को यहां से जिताकर भेजेंगे, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे, कांग्रेस की सरकार अपनी बात करके धन्यवाद। हम इस मंच से उनका धन्यवाद देते हैं, साथ ही हमारे प्रत्याशी अमित गांधी साहब जी, अमित गांधी साहब का धन्यवाद और सभी लोग आगे हमारे चौपर पे फिरते निकलेंगे। आओ दोस्तों,
कांग्रेस है जब से साथ तो सुविधाओं की नसीमा मिले से लगकर 500 में Thank you.
अधिकार है यारों।